वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको हरे धनिये की चटनी बनाना बताऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चटनी को हम समोसा, सैंडविच, सांभर वड़ा, पानी पताशे या पपड़ी चाट किसी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। बहुत सारी डिश ऐसी होती है जो चटनी के बिना अधूरी होती है। यदि चटनी सही और परफेक्ट बनेगी तो खाने में हमें और ज्यादा मजा आता है। तो वो क्या कारण है जिसके कारण चटनी हरी बनी रहे और गाढ़ी रहे, वो जो है टिप्स मैं आज आपको अपने वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्रेश धनिया लिया है और मैंने यहाँ पर लिए दो हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत तीखी है इसलिए मैंने यहाँ पर दो ही ली है। सबसे पहले हमें धनिया को साफ करना है, तो जो पीछे का जो डंठल है इनको हम हटा देते हैं। इस तरह हम नाइफ की हेल्प से हम इन्हें कट कर देंगे। इस तरह हमें सभी को ही कट करना है। आसानी से कट हो जाता है, आप देख सकते हैं। इनको अब हम हटा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। लेकिन बहुत से लोग तो सिर्फ पत्ती पत्ती को रखते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, लेकिन हमें डंडी समेत इसकी चटनी बनानी है। क्योंकि जो डंडी होती है इसमें खुशबू अच्छी आती है और बहुत ही हरी और कच्ची डंडी होती है, तो इसको हमें इसके साथ ही रखना है, हटाना नहीं है। धनिया की खुशबू जब बहुत अच्छी आएगी तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च का डंठल हटा के इसके भी हम बीज निकाल लेते हैं। इस तरह हमें इसके भी बीज निकालने हैं। डंठल को हम हटा देंगे, दो तीन हम इसके कट कर लेंगे बड़े बड़े। और धनिया को जो है हम साफ पानी से धोएंगे, 3 से 4 बार इसको हमें वॉश करना है। मिर्च को मैंने धो लिया था, धनिया को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम मिक्सी का जार लेते हैं और इस पे हम धनिया पत्ती और जो मिर्च है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून हमें इसमें भुनी हुई मूंगफली ऐड करनी है, वो इसमें हम डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह चना दाल को भी डाल सकते हैं। रोस्टेड चना दाल से भी चटनी अच्छी बनती है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक लेंगे, वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया अमचूर पाउडर, वो इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हींग ली है, ये भी हम इसमें डालेंगे। इससे खुशबू अच्छी आती है, खाने में भी जो चटनी बहुत टेस्टी लगती है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है लेमन जूस, वो हम इसमें डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक से भी चटनी अच्छी बनती है और फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सभी को एक बार हम बारीक पीस लेंगे, जरूरत होगी तो हम पानी इसमें और ऐड कर देंगे। चटनी को मैंने पीस लिया है, इसको मैंने बारीक पीसा। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। इसको मैं अब एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी हमारी बनी है, कितनी गाढ़ी चटनी बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चटनी बनाते समय कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती है। वो ये है कि चटनी बनाते समय आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने इसमें जीरा नहीं डाला है। जीरा डालने से चटनी काली पड़ जाती है। दूसरा कि इसको हमें कांच के बाउल में ही रखना होता है जिससे चटनी फ्रेश रहे। कांच के बाउल को हमें ढककर ही इसको रखना है। चटनी को और लंबे समय तक चलाने के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो और काफी टाइम तक चटनी जो है हमारी सेफ रहेगी। और चटनी में काला नमक डालने से इसका जो स्वाद है वो कई गुना और बढ़ जाता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।